ओके शुरू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिकल यूज ऑफ प्लांट्स कवर कर लिया था, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। बताओ इकोनॉमिकल यूज, इकोनॉमिकल यूज, इसमें हमने क्या समझा था कि जितने भी पौधे होते हैं, कोई भी अगर पौधा है, पौधे का नीचे जमीन में क्या रहता है, रूट रहता है, ठीक है, रूट रहता है, उसके बाद ऊपर इसका तना रहता है, फिर इस तने से हमें इसके फूल पत्ते, इसके जो ब्रांचेस हैं वो सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पौधों का हर एक चीज यूजफुल होता है। कुछ जैसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जैसे तुलसी हो गया, तो तुलसी के पत्ते, तुलसी का जो डंठल होता है उसके लोग माला बना करके पहनते हैं, है ना। तो पौधों का हर एक चीज, चाहे फूल हो, चाहे उसका फल हो, फल के अंदर का बीज हो, ठीक है, या फिर उसका स्टेम हो, स्टेम के ऊपर यानी उसके तने के ऊपर लगा हुआ उसका छाल हो या जड़ हो, हर एक चीज यूजफुल होता है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ जो मुलेठी होती है, मुलेठी, मुलेठी किस लिए यूजफुल होता है, मुलेठी गले को साफ करने के लिए, मुलेठी गले को साफ करने के लिए। अच्छा, जो कॉटन होता है, कॉटन ये हमें कहाँ से मिलता है, सीड से मिलता है या फ्लावर से मिलता है? तो कॉटन हमें सीड से मिलता है। कॉटन कहाँ से मिलता है, सीड से। वहीं अगर मैं पूछूं जूट, जूट कहाँ से मिलता है, जूट हमें तने से मिलता है, तना यानी स्टेम से, यानी स्टेम से मिलता है, ठीक है, स्टेम से मिलता है। अच्छा बताओ लौंग यानी क्लो, लौंग कहाँ से मिलता है, लौंग हमें कली से मिलती है यानी बर्ड, किससे मिलती है, कली से यानी बर्ड से। अच्छा बताओ हींग, हींग कहाँ से मिलता है, ऐसा फटीडा कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलती है जड़ से यानी रूट, किसे मिलती है, रूट से मिलती है। तो सारा कुछ मैंने कवर करा दिया था। चलो अब हम आज समझते हैं कि ये जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ पहले इनका जैसे ही जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होने के बाद ये जमीन से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के धीरे 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 इन पेड़ों का ग्रोथ होता है, यानी ये आसमान की तरफ बढ़ते हैं। तो इन पेड़ों को आसमान की तरफ बढ़ाता है कौन, इन्हें जमीन के अंदर ले जाता है कौन, यानी अल्टीमेट अगर हम बात करें तो पेड़ पौधों का ग्रोथ, ग्रोथ या डेवलपमेंट कौन कराता है, पेड़ पौधों का ग्रोथ या डेवलपमेंट कौन कराता है। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं इंसानों से या एनिमल से, ठीक है। अगर हम एनिमल्स में बात करें, एनिमल्स में भी हम ह्यूमन लेते हैं, ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे 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 वो क्या होता है, बड़ा होता है ना, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो बॉडी का ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसे होता है, वो होता है प्रोटीन से, है ना, प्रोटीन से, प्रोटीन से। और हमने जूलॉजी में दो चीजें पढ़ी थी कि प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं एंजाइम, एंजाइम, और एक को कहते हैं हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, हार्मोन। तो बताओ अगर ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, तो इन पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए कौन जरूरी होगा, वो भी प्रोटीन ही होगा, जाहिर सी बात है वो भी प्रोटीन ही होगा। तो यहाँ हम पेड़ पौधे में जो प्रोटीन मिलता है उसे हम कहते हैं हार्मोन, क्या कहते हैं, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में, इसके बारे में, प्लांट हार्मोन। चलो प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ने से पहले
मैं कुछ बेसिक चीजें समझा देता हूँ। ठीक है, देखो तो पौधे होते हैं, पौधे जमीन से निकलने के बाद ये आसमान की तरफ जाते हैं, यानी कि प्रकाश की तरफ। कहाँ जाते हैं? प्रकाश। प्रकाश को हम क्या कहते हैं? फोटो। क्यों? क्योंकि प्रकाश इज नथिंग बट द बंडल ऑफ फोटॉन्स। फिजिक्स में पढ़ाया पूरा, है ना, बंडल ऑफ फोटॉन्स, तो हम इसे फोटोन कहते हैं। और जब हम प्लांट को स्टार्ट किए थे, जूलॉजी ये अपना बॉटनी स्टार्ट हुआ था, तो बॉटनी में हमने पौधों की कैरेक्टरिस्टिक को भी देखा था। पौधे जब प्रकाश की तरफ जाएंगे तो उन्हें हम फोटोट्रॉपिक कहते थे, प्रकाश की तरफ नहीं जाते हैं, ग्राउंड की तरफ जाते हैं तो जियोट्रॉपिक कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ हार्मोन होंगे जो इस पौधे को प्रकाश की तरफ ले जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव फोटो हार्मोन। क्या कहेंगे? पॉजिटिव फोटो हार्मोन। और कुछ हार्मोन ऐसे होंगे जो इसे जमीन की तरफ ले जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव फोटो हार्मोन। ठीक है, नेगेटिव फोटो हार्मोन, नेगेटिव फोटो हार्मोन। तो देखो, नेगेटिव फोटो हार्मोन को तुम ये समझ सकते हो, ये हार्मोन पेड़ पौधों की ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमें ऊपर दिखाई नहीं देता। हालांकि ग्रोथ नीचे भी हो रहा है, अगर कोई पेड़ बहुत ऊंचा जाना चाहता है तो उसे पहले अपने जड़ें मजबूत करनी होगी, अपना डेवलपमेंट नीचे करना होगा, लेकिन ये दिखाई नहीं देता हमें, जमीन के अंदर होता है, इसलिए हम इसे ग्रोथ नहीं कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो नेगेटिव फोटो हार्मोन होते हैं, नेगेटिव फोटो हार्मोन होते हैं, वो पेड़ पौधे के ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, क्या समझेंगे? डज नॉट हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ। लेकिन जो पॉजिटिव फोटो हार्मोन रहेंगे वो ग्रोथ में हेल्प करेंगे, पेड़ पौधों की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, पेड़ पौधों की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। क्लियर है? ओके। अच्छा देखो, पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, तो आप देखोगे जो पेड़ बहुत ही लंबे होते हैं, ठीक है, बहुत ही लंबे होते हैं, वो बीच से पतले होते हैं, मतलब कि उनका जो ये स्टेम होता है ये पतला होता है। अब आप सुखोया पेड़ को छोड़ दो, वो दुनिया में या पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पेड़ होता है, और इतने मोटे होते हैं क्योंकि उन्हें हाइट पर जाने के बाद उन्हें सस्टेन भी करना रहता है, तो इतने मोटे होते हैं उनके अंदर से आप एक ट्रक गुजार सकते हो, काट के उनके अंदर से रास्ता बना सकते हो। ठीक है, उसको छोड़ दो, मैं एक जनरल की बात कर रहा हूँ कि जनरल जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, अगर कोई पेड़ बहुत ही हाइट पर जा रहा है, ठीक है, बहुत ही हाइट पर जा रहा है, तो वो बीच से बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है। जैसे कि कोई एक मान लो कि ये रॉड है, ये रॉड इतना मोटा है, अगर मैं इस रॉड को खींच दूं तो ये क्या हो जाएगा? बीच से पतला हो जाएगा, है ना, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन इसकी जो मोटाई है वो घट जाएगी, इसकी मोटाई घट जाएगी, इसकी मोटाई घट जाएगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि पौधे आसमान की तरफ बहुत हाइट पर भी जाते हैं, यानी उनका ग्रोथ हाइट पर भी होता है, और कुछ पौधे होते होंगे जो बहुत ही मोटे होते हैं, है ना, बीच से बहुत मोटे होते हैं बट हाइट उनकी कम होती है, तो इनका डेवलपमेंट थिकनेस के हिसाब से भी होता है, यानी ये अपना क्षेत्रफल भी बढ़ाते हैं, ये अपना क्षेत्रफल भी बढ़ाते हैं। तो इन सब किसी को मोटा बनाएगा, किसी को हाइट पर ले जाएगा, किसी की जड़ों को मजबूत करेगा, ये सब अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स का काम होता है। ठीक है, इसका काम होता है अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स का। तो हम समझते हैं कौन सा हार्मोन कौन सा काम करता है। तो अभी इतना समझ में आया क्या? द प्लांट हार्मोन को हम क्या कहते हैं? फोटो हार्मोन, है ना, प्लांट हार्मोन को फोटो हार्मोन। ये प्लांट हार्मोन कितने टाइप के? प्लांट हार्मोन कितने टाइप के, मैं यहां लिख देता हूं, प्लांट हार्मोन कितने टाइप के? दो। कौन कौन से?
पॉजिटिव फोटो हार्मोन और नेगेटिव फोटो हार्मोन, ठीक है, पॉजिटिव फोटो हार्मोन और नेगेटिव फोटो हार्मोन, क्लियर है? ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं पहले पॉजिटिव फोटो हार्मोन से। इसे पॉजिटिव फोटो हार्मोन से देखो, पॉजिटिव फोटो हार्मोन क्या करेंगे, पेड़ पौधों को प्रकाश की तरफ ले जाएंगे, ये इनके ग्रोथ में हेल्प करेंगे। इसमें होता है जिब्रेलिन, कौन, जिब्रेलिन। दूसरा आता है ऑक्सिन, कौन, ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन। तीसरा आता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। चौथा आता है ट्राउमेटिन, 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 ठीक है, ट्राउमेटिन। और पांचवा होता है फ्लोरीजीन, फ्लोरीजीन, फ्लोरीजीन। तो हमें पॉजिटिव फोटो हार्मोन में इन पांच हार्मोन्स को पढ़ना है, बताओ कौन कौन से, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ट्राउमेटिन, फ्लोरीजीन, ठीक है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ट्राउमेटिन, फ्लोरीजीन, ठीक है, फ्लोरीजीन, फ्लोरीजीन। उसके बाद फोटो नेगेटिव हार्मोन में हमें दो हार्मोन पढ़ने हैं, एक को हम कहते हैं ABA, ABA, इसका मतलब होता है एब्सिसिक एसिड, क्या कहते हैं इसको, एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। और दूसरा होता है इथाइलीन, क्या होता है, इथिलीन, ठीक है, इथिलीन, 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 इतना क्लियर हुआ। नेगेटिव फोटो हार्मोन को मेनली क्या माना जाता है, ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन पॉजिटिव फोटो हार्मोन क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, अभी समझेंगे सब एक, ठीक है। तो पहले अब हम समझते हैं जिब्रेलिन के बारे में। देखो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन पेड़ पौधों में पाया जाने वाला सबसे मेन हार्मोन होता है, ठीक है, मेन हार्मोन। क्यों, क्योंकि जर्मिनेशन जब मैंने पढ़ाया तब मैंने बताया कि जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, जिब्रेलिन, तो जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है, इसमें जर्मिनेशन यानी अंकुरण में हेल्प करता है, अंकुरण में हेल्प करता है। जो फ्रूट्स हैं, फल, फ्रूट्स कब पकेंगे, व्हेन राइप, कब पकेंगे, इसका डिसीजन जिब्रेलिन करता है, इसका डिसीजन जिब्रेलिन करता है। जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो कब फूलेंगे, ब्लूम, कब फूलेंगे, इसका डिसीजन कौन करेगा, जिब्रेलिन करेगा, जिब्रेलिन करेगा। जो पेड़ की पत्तियां हैं, लीव्स, वो कब गिरेंगी, या सेड, फॉल या सेड, कब गिरेंगी, उनका डिसीजन भी जिब्रेलिन ही लेता है, जिब्रेलिन ही लेता है। तो जिब्रेलिन को हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधों का सबसे मेन हार्मोन, मेन हार्मोन। क्यों, क्योंकि जर्मिनेशन में जिब्रेलिन काम करता है। फल कब पकेंगे, देखो फलों को पकाने का काम अलग हार्मोन करेगा, लेकिन कब पकेगा उसका डिसीजन जिब्रेलिन करेगा, उसका डिसीजन जिब्रेलिन करेगा। फूलों को फुलाने का काम अलग हार्मोन करेगा, लेकिन फूल कब फूलेंगे इसका डिसीजन जिब्रेलिन करेगा, इसका डिसीजन जिब्रेलिन करेगा। और जो पत्ते होते हैं, पत्ते कब गिरेंगे, पत्ते कब गिरेंगे,
उसका भी डिसीजन जिब्रेलिन ही करेगा। पत्तों को गिराने का काम दूसरे हार्मोन का होता है, ठीक है। तो जिब्रेलिन को हम क्या कहते हैं, मेन हार्मोन, मेन हार्मोन। क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद दूसरा जो था वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन, ये ऑक्सिन पेड़ पौधों की ना ऊपरी भाग में पाया जाता है, ठीक है। कहां पाया जाता है? अपर पार्ट, अपर पार्ट, ऊपरी भाग में। और ये पेड़ों को बहुत तेजी से आसमान की तरफ ले जाता है। कहां ले जाएगा? अपर की तरफ पाया जाएगा, तो कहां ले जाएगा वो? आसमान की तरफ। यानी इसकी हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है, पेड़ पौधों की हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर कोई पेड़ बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो अगर कभी आंधी आएगी तो बीच से उसका तना टूट जाएगा। इसलिए जो माली वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही पेड़ थोड़ा सा बड़ा होता है वो उसके ऊपरी सेक्शन को काट देते हैं। ऊपरी सेक्शन में क्या पाया जाएगा, जैसे मैं इसमें दिखाऊं, ये पेड़ मान लो इतना निकला, ठीक है। तो माली को पता है कि काम करते हैं, इसकी छिटैया कर देते हैं, यहाँ का ऊपर वाला सेक्शन काट देगा, इधर उधर से थोड़ा बहुत वो काट देगा, तो क्या हो जाएगा, इसका ऊपर का ग्रोथ रुक जाएगा। अब ये बीच से मोटा होगा, बीच से मोटा होगा। जब बीच से मोटा हो जाएगा उसके बाद ये ऊपर बढ़ेगा, तब आंधी तूफान में टूटेगा नहीं, समझ में? आंधी तूफान में ये टूटेगा नहीं। वो माली क्यों काटता है उसे पता नहीं है कि उसके अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, लेकिन उसे पता है अगर ये अभी बढ़ गया तो आंधी तूफान में बचेगा नहीं, टूट जाएगा, इसलिए अभी इसको ऊपर से छाट दो, काट दो, ठीक है। ओके, तो बताओ ऑक्सिन हार्मोन पेड़ पौधों के कौन से पार्ट में पाया जाता है? ऊपरी हिस्से में। क्या करता है? हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। ये ऑक्सिन पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है ना, लीव्स एंड फ्लावर, फूल, इन्हें गिरने से रोकता है। क्या करता है? प्रिवेंट फ्रॉम फॉल, गिरने से रोकता है, पत्तियों और फूलों को गिरने से रोकता है। मान लो कि आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर जैसे ही फूल लगे, अगर वो फूल तुरंत ही गिर जाएंगे तो क्या उसमें फल लगेगा? नहीं। इसलिए उन फूलों को गिरने से रोकता है कौन? ऑक्सिन। कौन? ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है कि देखता है कि जो मेन पेड़ है, मान लीजिए कि ये पेड़ है, अभी ये छोटा है और इसके आसपास बहुत सारे घास वगैरह उग गए हैं, जो इसके आसपास आने वाले पोषक तत्वों को खुद ही खा जा रहे हैं, इस पर लाइट पड़ने नहीं दे रहे हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, इस पेड़ के आसपास जितने भी घास रहेंगे ना, उन घासों को वो मार देगा। नेचुरल किलर होता है ये, वीडिसाइड इसको कहते हैं। घास फूस को जो मार दे उसे हम वीडिसाइड कहते हैं, घास फूस को वीड कहते हैं और घास फूस को मारने वाले को वीडिसाइड। तो पूछेगा कि नेचुरल वीडिसाइड किस हार्मोन को कहते हैं, नेचुरल वीडिसाइड किस हार्मोन को कहते हैं, तो ऑक्सिन को। नेचुरल वीडिसाइड किस हार्मोन को कहते हैं, ऑक्सिन को, ठीक है, ऑक्सिन को, ऑक्सिन को, समझ में आया? वीडिसाइड का क्या मतलब है, खर पतवार नाशक। अभी हम देखेंगे ये हार्मोन खत्म हो जाएगा तो हम लोग आर्टिफिशियली कौन से दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं घास फूस को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो नेचुरली घास फूस को कौन खत्म करता है, कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, जब पेड़ पौधे बहुत तेजी से ऊपर बढ़ते हैं तो पेड़ पौधों की हाइट को मेजर करने के लिए या ग्रोथ को मेजर करने के लिए ऑक्सिनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सिनोमीटर। ऑक्सिनोमीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, पेड़ पौधों की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। टू मेजर द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट पीपल यूज ऑक्सिनोमीटर। ये दो हार्मोन समझ में आ गए, कौन कौन से,
जिब्रेलिन और ऑक्सीन, जिब्रेलिन और ऑक्सीन, ठीक है, जिब्रेलिन और ऑक्सीन। इसके बाद तीसरे हार्मोन की तरफ चलते हैं, तीसरा हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। देखो साइटो हम किसे कहते हैं, सेल को कहते हैं, ठीक है, सेल को। जैसे ह्यूमन बॉडी में सेल डिवीजन करने का काम सेंट्रोसोम का था, इसी तरीके से प्लांट में सेल डिवीजन करने का काम किसका होता है, सेल डिवीजन करने का काम होता है साइटोकाइनिन हार्मोन का, ठीक है, सेल डिवीजन करने का काम साइटोकाइनिन हार्मोन का। यानी कि जब पेड़ जमीन में से प्लांट पौधा निकलेगा, फिर उसमें अलग अलग शाखाएं अलग अलग ब्रांचेस को निर्माण करने का काम कौन करेगा, साइटोकाइनिन, 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 ठीक है। उसके बाद चौथा आता है ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन। देखो ट्राउमेटिन का काम होता है पेड़ पौधों में लगे घाव को भरने के लिए, टू हील, टू हील, डी कुंड। अब देखो घाव कैसा है कि मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ पर किसी इंसान ने पत्थर मार दिया, यहां से उसका सारा का सारा छिलका निकल गया, तो इस छिलके पर आप देखोगे धीरे 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 करके एक पपड़ी जम जाएगी, एक किसी किसी में तो गोंद निकल आता है या किसी किसी से दूध निकलता है, तो ठीक है, तो धीरे 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 वहां का वो एरिया सूख जाता है। यानी घाव को, कटे फटे चीजों को हील करने के लिए, हील करने के लिए पेड़ों में कौन सा हार्मोन यूजफुल है, ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन। और हमारे अंदर अगर शरीर में कट जाता है ह्यूमन बॉडी में तो विटामिन सी है ना, विटामिन सी। उसके बाद पांचवा हमारा जो हार्मोन था वो कौन सा था, फ्लोरीजेन, फ्लोरीजेन। देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है, फ्लोरीजेन का मतलब ये फूल को खिलाने में, फूल खिलेंगे किसकी वजह से, फ्लावर्स ब्लूमिंग, ठीक है, फ्लावर्स ब्लूमिंग, यानी फूलों को खिलाने में हेल्प करता है फ्लोरीजेन। हेल्प कौन करता है, फ्लोरीजेन, फ्लोरीजेन। तो ये पॉजिटिव फोटो हार्मोन समझ में आ गया। ओके अब हम चलते हैं नेगेटिव फोटो हार्मोन की तरफ, नेगेटिव फोटो हार्मोन्स, ठीक है, नेगेटिव फोटो हार्मोन्स, नेगेटिव फोटो हार्मोन्स। देखो इसमें हमने पहला बताया था एबीए, एबीए यानी एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है कि पेड़ पौधों में होने वाले हर एक प्रकार के ग्रोथ की रेट को कम कर देता है। यानी कि अगर पेड़ पौधा, कोई पेड़ है उसकी हाइट एक दिन में अगर 1 मीटर बढ़ रही है, वो उसे डिक्रीज करके क्या कर देगा, चलो कि 0.8 मीटर कर देगा, ठीक है, 0.8 मीटर बढ़ेगा, या 0.5 मीटर कर देगा, आधा कर देगा, उसे घटा देगा। तो एब्सिसिक एसिड, जो एब्सिसिक एसिड होता है ये हर एक तरीके के डेवलपमेंट को कम कर देता है, इट डिक्रीज द रेट ऑफ एवरी काइंड डेवलपमेंट हैपेंस इन प्लांट्स, ठीक है, डिक्रीज द रेट ऑफ एवरी काइंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, ठीक है, इन प्लांट्स, पौधों में होने वाले किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट की रेट को ये कम कर देता है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। उसके बाद दूसरा आता है इथिलीन, इथिलीन। देखो इथिलीन, इथिलीन पेड़ पौधों में लगे फलों को पकाने का काम करता है नेचुरली, ठीक है, टू राइप द फ्रूट,
पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों में जो फल लगे होते हैं उन्हें पकाने का काम कौन करेगा? इथिलीन। टमाटर है, टमाटर अभी कच्चा है, कुछ दिन बाद लाल लाल पक जाएगा, किसकी वजह से? इथिलीन की वजह से। आम है, आम कुछ दिन बाद पक जाएगा, किसकी वजह से? इथिलीन की वजह से। लेकिन वो पेड़ में लगा होना चाहिए। और इंसान क्या करता है, आम हो गया उसे तोड़ लेगा, तोड़ करके अब उसे हम आर्टिफिशियली पकाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली पकाते हैं। और अगर आम में देखोगे ये जो इथिलीन होता है, इथिलीन ये गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है, इसमें गैसियस फॉर्म में, इसलिए आम जैसे मैं आम ये बनाऊं, अगर आम है तो आम का ये जो डंठल रहता है, इस डंठल को अगर आप तोड़ोगे तो इसके अंदर से एक लिक्विड निकलेगा बड़े ही प्रेशर के साथ, ठीक है, लिक्विड निकलेगा प्रेशर के साथ। और वो लिक्विड अगर कहीं पर लग जाता है शरीर पर तो वहां की चमड़ी जल जाती है। तो लिक्विड वो जो रहता है वो एसिड रहता है, लेकिन उसके अंदर जो गैस भरी रहती है जो उसे बाहर फेंकता है वो होता है इथिलीन, और उसी की वजह से आम पकता है, उसी की वजह से आम पकता है, आम पकता है। इथिलीन का कभी कभी केमिकल फॉर्मूला पूछता है, हालांकि केमिस्ट्री में इसको अच्छे से पढ़ना रहता है, सारे के सारे कार्बन चैप्टर पढ़ते हैं तब, ठीक है। तो इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, है ना, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सबके बारे में पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर इथिलीन का फॉर्मूला क्या है, C2H4, किस फॉर्म में रहता है, ये गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। अच्छा, जो हम आर्टिफिशियली पकाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसको तो क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल राइपिंग फ्रूट्स, ठीक है। आर्टिफिशियली पकाने के लिए हमें चाहिए क्या, एसिटिलीन ही चाहिए, क्योंकि एसिटिलीन ही है जो फलों को पकाएगी। लेकिन हम इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो एसिटिलीन को, एसिटिलीन कह रहा हूं कि एसिटिलीन ये क्या था, ये इथिलीन है, ठीक है, इथिलीन C2H4। लेकिन हमें जो आर्टिफिशियल फलों को पकाना है उसके लिए हमें चाहिए एसिटिलीन, इथिलीन नहीं, एसिटिलीन। और एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है, C2H2। अब ये C2H2 कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये मिलता है कैल्शियम कार्बाइड से, इससे मिलता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Ca, कैल्शियम C2, ठीक है, Ca C2। जब इस कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ मिक्स करते हैं, इसके साथ, पानी के साथ, जैसे मैं लिखा CaC2 प्लस 2H2O, पानी के साथ मिक्स करते हैं, तब ये दो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक तो बनाता है C2H2 यानी एसिटिलीन, और दूसरा बनाएगा लाइम वाटर CaOH2, इसको हम कहते हैं लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, ठीक है, चूने का पानी जिसको कहते हैं, चूने का पानी। और ये आपको क्या मिल गया, ये मिल गया एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो नॉर्मली गांव में लोग क्या कहते हैं, कार्बाइड कार्बाइड कह के उसको बुलाते हैं, है ना, कार्बाइड रख दो पक जाएगा, कार्बाइड रख दो पक जाएगा। लेकिन कार्बाइड से हमें मिलता है एसिटिलीन, और एसिटिलीन का इस्तेमाल करके हम आर्टिफिशियली फलों को पकाते हैं, आर्टिफिशियली फलों को पकाते हैं। ये जो एसिटिलीन है इसका इस्तेमाल वेल्डिंग के लिए भी किया जाता है, वेल्डिंग, लेकिन इससे किया गया जो वेल्डिंग होता है यह मजबूत नहीं होता है, स्ट्रांग स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है, मजबूत नहीं होता है, कमजोर होता है, ठीक है। तो एसिटिलीन
आर्टिफिशियली अगर फलों को पकाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, एसिटिलीन का। नेचुरली फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल, मतलब कि पेड़ पौधे कौन से हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, इथिलीन का, इथिलीन C2H4, इथिलीन C2H4, C2H4, C2H4। इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो पेड़ होते हैं, पनपते हैं, हम जब खेती करते हैं तो खेतों में पौधों के साथ साथ, जैसे आपने गेहूं बोया, गेहूं जब उगेगा तो गेहूं के साथ साथ कुछ खर पतवार भी निकलते हैं। आपने आलू लगाया, आलू के साथ साथ उसके कुछ खर पतवार भी निकल जाएंगे। तो जो आप यूरिया डाई पोटास आलू को दोगे, वही यूरिया डाई पोटास वो खर पतवार भी ले लेंगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि वो खर पतवार को हम निकाल दे अगर, तो सारा का सारा पोषक तत्व न्यूट्रिशन किसको जाएगा, हमारे प्लांट्स को, जो रिक्वायरमेंट है। जैसे आलू है तो आलू को जाए, गेहूं है तो गेहूं को जाए, चावल है तो चावल को जाए। तो खर पतवार को पहले बताओ, नेचुरली खर पतवार को खत्म कौन करता है, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीन, ऑक्सीन। तो खर पतवार को खत्म करने के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं वीडिसाइड, क्योंकि खर पतवार को हम कहते हैं वीड। क्या कहते हैं, वीड। वीड मतलब खर पतवार, और इसे अगर मार दिया जाए तो उसे कहते हैं वीडिसाइड, वीडिसाइड यानी खर पतवार नाशी, खर पतवार नाशी, खर पतवार नाशी, वीडिसाइड, वीडिसाइड, वीडिसाइड। बताओ नेचुरली खर पतवार को कौन मारता है, नेचुरली मारता है ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन। लेकिन ये ऑक्सीन हार्मोन बहुत ही कम समय तक कारगर होता है, उसके बाद पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं तो ज्यादा टाइम तक ये काम नहीं कर पाता अच्छे से, इसलिए हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल केमिकल्स का, तो खर पतवार को मारने के लिए तीन केमिकल जो है बहुत फेमस है। एक का नाम है सिमाजीन, सिमाजीन, ठीक है। दूसरे का नाम है 2D4 यानी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका फुल फॉर्म पूछता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। और तीसरा होता है एट्राजीन। तो तीन केमिकल कौन कौन से याद रहेंगे, सिमाजीन, 2,4-D और एट्राजीन, ठीक है। देखो ये है सिमाजीन, सिमाजीन बॉटल में आता है, मस्त पानी में मिलाओ और छिड़काव कर दो, छिड़क दो, जो भी खरपतवार है वो खत्म हो जाएंगे, खरपतवार क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा आता है 2,4-D, और तीसरा होता है एट्राजीन। ये सारे के सारे क्या है, खरपतवार नाशी, वीडिसाइड्स। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब हम लोग एक और टॉपिक समझ लेते हैं, प्लांट फैमिली। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको सीधा सीधा याद करना है कि कौन कौन से पौधे हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर इंसान की बात करते हैं तो इंसान इसमें आता है, जब हमने किंगडम पढ़ा था, एनिमल किंगडम, तो हम लोग कार डेटा में आते थे, है ना, कार डेटा में भी यूथेरिया में आते थे, क्योंकि कार डेटा में भी पहले तो मैमल्स, एवियस, ठीक है, उसके बाद जो उभयचर थे उनको देखा था, ठीक है, उसके बाद रेप्टाइल्स वगैरह को देखा था। तो इन सब में अगर हम बात करें तो मैमल्स में आते थे, मैमल्स में भी तीन तरीके देखे थे, यूथेरिया, प्रोटोथेरिया, तो उसमें भी हम लोग यूथेरिया में आते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही पेड़ पौधों की भी फैमिली होती है, बहुत सारे नाम दिया रहेगा, बोलेगा कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
तो हम यहां लिखते हैं प्लांट फैमिली, प्लांट फैमिली, प्लांट फैमिली। इसको सीधा सीधा याद कर लो। देखो पहला है जैसे नेनुआ और करेला, करेला नेनुआ क्या कहते हैं भाई, स्वीट गोर्ड, करेला को बिटर गोर्ड, है ना, स्वीट गोर्ड और बिटर गोर्ड। अब जितने भी ये सब्जियां हैं, जितनी भी ये सब्जियां हैं, ये किसी न किसी के सहारे ऊपर चढ़ती हैं, और जब ऊपर चढ़ती है तो इनको इनको इनकी जो पत्तियां होती है वो टिंड्रल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसे स्प्रिंग की तरह कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना, स्प्रिंग की तरह कन्वर्ट हो जाती हैं। और अगर आप कुत्ता देखोगे, कुत्ता तो कुत्ते का पोंछ भी ऐसे रहता है, और कुत्ते को गांव में कुकुर कहते हैं, ठीक है। तो इस नेनुआ करेला जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली का नाम है कुकुरबिटेसी। ये ट्रिक के लिए याद रखना, नेनुआ करेला किस फैमिली से बिलोंग करेगा, कुकुरबिटेसी, सी यू सी यू आर बी आई टी ए सी ई ए टी, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। नेनुआ करेला किस फैमिली से बिलोंग करेगा, कुकुरबिटेसी, 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 कुकुरबिटेसी। उसके बाद जो खट्टे फल होंगे, जैसे कि जिसके अंदर से जूस निकलता होगा, खट्टे फलों में जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, नींबू संतरा, ठीक है, नींबू संतरा, नींबू संतरा, ये बिलोंग करते हैं रूटेसी, इससे रूटेसी फैमिली, ठीक है, रूटेसी, रूटेसी। नेनुआ करेला कुकुरबिटेसी, नींबू संतरा रूटेसी, नेनुआ करेला कुकुरबिटेसी, नींबू संतरा रूटेसी, नींबू संतरा रूटेसी, ठीक है, नींबू संतरा रूटेसी, नींबू लेमन संतरा ऑरेंज। फिर आता है भिंडी गुड़हल कपास, भिंडी गुड़हल कपास, भिंडी लेडी फिंगर, गुड़हल हिबिस्कस, कपास कॉटन। ये भिंडी गुड़हल कपास ये आते हैं मालवेसी, किस फैमिली में, मालवेसी, ठीक है, मालवेसी, मालवेसी। बताओ नेनुआ करेला कुकुरबिटेसी, नींबू संतरा, नींबू संतरा, देखो नींबू हमारे दांतों के रूट के लिए बहुत अच्छा होता है, मसूड़ों के लिए अच्छा होता है, तो मसूड़ों में रूट से याद रखना है रूटेसी, रूटेसी। फिर भिंडी गुड़हल, अब भिंडी में देखोगे तो लासा निकलेगा, है ना, लसलसा रहता है, गुड़हल भी लसलसा रहता है, तो इससे याद रखना लवेसी, मालवेसी, ल से इधर भिंडी में लासा और यहाँ मालवेसी, ट्रिक बनाकर ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। भिंडी गुड़हल कपास मालवेसी, भिंडी गुड़हल कपास मालवेसी, भिंडी गुड़हल कपास मालवेसी। उसके बाद आलू तंबाकू और धतूरा, आलू तंबाकू धतूरा, आलू पोटैटो तंबाकू टोबैको, धतूरा को धतूरा ही कहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आते हैं सोलेनेसी। आलू में हरा रंग किसकी वजह से होता है, सोलेनेसी, सोलेनेसी एक पॉइजन होता है, ठीक है, तो आलू में जो हरा हरा हो जाता है वो पॉइजनस होता है, उसको नहीं खाना चाहिए। तो सोलेनेसी से याद रखना कि आलू तंबाकू धतूरा, धतूरा खुद एक पॉइजनस में आता है ना, तो सोलेनेसी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोले नेसी, ठीक है, सोले नेसी, सोले नेसी, सोले नेसी, सोले नेसी, ठीक है। उसके बाद जितने मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का यानी मेज, धान राइस, गेहूं व्हीट, ये किसमें आएंगे, तो ये सारे के सारे ग्रेन होते हैं, ग्रेन यानी अनाज होते हैं ना, मोटे अनाज ग्रेन, तो ग्रैमिनी, ग्रैमिनी, ग्रेन से याद रखना ग्रैमिनी, ग्रैमिनी, ठीक है, ग्रैमिनी, 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 क्लियर है, ग्रैमिनी। उसके बाद आएगा लहसुन प्याज जो होते हैं, लहसुन, लहसुन प्याज,
लहसुन, गार्लिक, प्याज, अनियन, ठीक है, ल से लहसुन और ल से लिलियेसी, लिलियेसी किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, लिलियेसी, 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 बताओ। नेनुआ करेला कुकुरबिटेसी, नींबू संतरा रूटेसी, भिंडी गुड़हल मालवेसी, आलू तंबाकू सोलेनेसी, मक्का धान गेहूं ग्रामिनी, लहसुन प्याज लिलियेसी, लिलियेसी, लिलियेसी। उसके बाद कहता है सरसों, मस्टर्ड, कौन सा नंबर हो जाएगा ये, सातवा, सरसों यानी मस्टर्ड, सरसों मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड। ये क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, क्रूसी, क्रूसी फेरी, क्रूसी फेरी, ठीक है, क्रूसी फेरी, क्रूसी फेरी, क्रूसी फेरी, क्रूसी फेरी, सरसों यानी मस्टर्ड, क्रूसी फेरी, मस्टर्ड, क्रूसी फेरी। उसके बाद जितने भी दालें होते हैं, दाल पल्सेस, दाल में क्या क्या आएगा, चना, मटर, मसूर, चना, मटर, मसूर, सारी की सारी जो दाल होती हैं, दाल ये आती है आपकी लिग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनेसी, ठीक है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। जितने भी दाल रहेंगे, पल्सेस रहेंगे, लेग्यूम, ठीक है, लेग्यूम से याद रखना, लेग्यूमिनेसी, 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 लेग्यूमिनेसी। उसके बाद कहता है सूरजमुखी गेंदा यानी सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, सूर्यमुखी और गेंदा, गेंदा का फूल होता है ना, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ये किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो एस्टरेसी, 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 ठीक है, एस्टरेसी, एस्टरेसी, एस्टरेसी। तो इसमें से बहुत सारे हैं जो तो मिलते जुलते हैं, जैसे कि नेनुआ करेला कुकुरबिटेसी, नींबू संतरा रूट से याद रखना रूटेसी, भिंडी गुड़हल में लासा होता है मालवेसी, आलू तंबाकू आलू में सोलेनिन सोलेनेसी, मक्का धान गेहूं ग्रेन है ग्रेमिनी, लहसुन प्याज से ल से लहसुन ल से लिलियेसी, सरसों का, सरसों का याद रखना है, पल्सेस का याद रखना है, और ये गेंदा और सूरजमुखी का याद रखना है कि भाई सरसों, क्रूसीफेरा, क्रूसीफेरा, चना मटर मसूर जितने भी दलहने हैं, लेग्यूम, लेग्यूम, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, और सूरजमुखी और गेंदा, सूरजमुखी और गेंदा एस्टोरेसी, एस्टोरेसी यानी सनफ्लावर और मैरीगोल्ड एस्टोरेसी, एस्टोरेसी। इतना क्लियर है, ओके, अगर क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।